वेलकम दोस्तों मेरे इलेक्ट्रिक के चैनल में। तो आज हम एक कंस्ट्रक्शन साइट पे फुल वायरिंग वीडियो करने वाले, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो पे बने रहे और देखते रहे दोस्तों। जो लोग नागपुर से हैं वो लोग उनको पता होगा, जो गणेश पेट बस स्टैंड है अपना और VR मॉल है अपना, तो उसके अपोजिट साइड में बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पर भी मॉल बन रहा है। तो वहीं पर कंस्ट्रक्शन का हमारा साइट चालू है, तो वहीं पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले। तो आपको दोस्तों वहाँ पे लेके चलने वाला हूँ और वहाँ पे हम लोग वायरिंग कनेक्शन करने वाले। चले दोस्तों। दस बाय दस की हाँ। ये कहाँ पे रहा था ये वाला और ये हॉल है, ये पूरा हॉल है। हाँ ठीक है, छोड़ के हाँ 19 ये एक हॉल है। ठीक है, आगे समझ में। ये बड़ा रहेगा, ये बड़ा रहेगा। तो अपने को हर रूम में सेम कनेक्शन देना है। हाँ, सेम कनेक्शन। एक लाइट, एक बटन, एक सॉकेट, दो सॉकेट और एक उसकी बटन। और हॉल में क्या रहेगा? हॉल में भी वैसे ही कर देना। और अपनी डिब्बी मेन वहीं पे है, डिब्बी से डायरेक्ट इसमें निकलेगा और सब में कॉमन वायर घूमेगा। ठीक है, और ज्यादा कुछ हेवी तो लोड नहीं है इनका? नहीं, हेवी लोड नहीं है। वो पंखा रहेगा एक सिर्फ, शायद पंखा भी तो एक ही केबल में हो सकता है इनका। हा? एक ही केबल में हो जाता। पंखा उनका चलेगा क्या? चलता ना, पंखा क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये गरम 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 मारेंगे ना बहुत, क्योंकि रूम बीच में है कि नहीं। और एक तो टीन की है, ये क्या है? वो बोट के लिए जगह छोड़े आने जाने के लिए। हाँ बराबर, तो ये कम होंगे ना, अच्छा रहेंगे फिर। नहीं नहीं, इसको छोड़ के बताएंगे। ठीक ठीक है ना, एक आधे हाँ अपना जो भी है वो अपना दीवार पे रहेगा। हाँ। है कि नहीं, दीवार पे ही दे देंगे, बोट ठोकने की जगह है। नहीं नहीं, दीवार पे कैसे देंगे? तो यही से केबल जाएगा ना, ऐसा रास्ता है ना? ये रास्ता, ये रास्ता है क्या? ये रास्ता है, ये गली है। अच्छा, ये गली है, ये पूरी गली रहेंगी। हाँ, ये आने अंदर, ये इधर में देना है कि क्या, क्योंकि ये क्या है? हाँ, ये ऐसा आएगा मेरा, और ये गली रहेंगी पूरी। बराबर, ये ऐसे ऐसा पाइप उतरेगा मेरा और वही कोंटे में एंट्रेंस पे। हाँ ठीक है, ठीक है, ये पूरा पैक होगा, सिर्फ ये गली रहेंगी। ये ऐसे रूम रहेंगे, ये इधर, ये वाले। हाँ हाँ, ये समझ गया ना, ये ऐसे छोटा सा दरवाजा अपना। इस प्रकार से हमने वो साहब से बात कर लिए, जो यहाँ के मेन हेड है, उनसे हमने बात कर लिया। आप लोग को, आप लोगों ने सुना ही होगा किस प्रकार से ये शेड बनने वाले थे। ये देख सकते हैं आप लोग इस वीडियो में, अभी मेरा ये शेड पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और वहाँ पे कोंटे में हॉल बनने वाला है। तो इस प्रकार से हमें पूरे इसका वायरिंग कर लेना है दोस्तों। तो हम इसकी वायरिंग किस प्रकार से करेंगे ये आपको ईजिली बताने वाला हूँ दोस्तों। आपको हर एक रूम में अभी हम करने वाले एक स्विच देने वाले और साथ ही उसमें एक होल्डर देने वाले दोस्तों। और उसके अपोजिट साइड में जो दीवार है उस पर हम हर दो तीन रूम के बाद में दो सॉकेट और उसकी दो स्विच देने वाले हैं 6 मॉडल का बोर्ड में। तो आप लोगों को इसकी ये वीडियो अच्छी लगेंगी दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से ये होता है। ये देखिए, पहले बनने का था, अभी बन चुका है, पूरा कम्प्लीट हो चुका है। ये देख सकते हैं आप लोग, एक छोटी सी गली है और इसी के साथ में ये हमारे पूरे डोर है जो बन गए। तो देख सकते हैं आप लोग, इसी पिलर पे मैं अपना पाइप लेके जाऊंगा दोस्तों, और उसी पाइप में से मैं एक केबल डालने वाला हूँ, 3 कोर केबल। और 3 कोर केबल में से मैं हर स्विच में वही से लूप करके हर स्विच में देने वाला हूँ दोस्तों। और उसी के साथ में स्विच से कनेक्ट होगा मेरा होल्डर, और उसी के साथ में हमारा हर दो रूम के बाद में
दो सॉकेट और स्विच लगने वाले हैं, तो उसी से हम लूपिंग करके आगे में बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसे करते करते हम 22 शेड में, ये जो 22 कमरे हैं तो उसमें हम सेम कनेक्शन करने वाले हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो मैं आपको ड्राइंग के माध्यम से भी समझाने वाला हूँ, ड्राइंग में किस प्रकार से करने वाला हूँ ये भी बताऊँगा दोस्तों, आपको ईजीली समझ जाएगा जो हम किस तरह से कमरे में ये डालेंगे। ये देखिए मेरा सामान आ चुका है, जो मेरे पास 1.5 इंची के पाइप है, उसी के साथ में हमें जंक्शन बॉक्स लगने वाले 1.5 इंची वाले, और ये केबल टाई लगने वाली है। तार से बांधने से अच्छा केबल टाई बेटर होता है। और उसी के साथ में हमारा केबल का बंडल आप लोगों ने देख लिया है, ये 350 मीटर का केबल का बंडल आता है, तो आप लोग देख सकते हैं 350 फुट का, ये देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से यहाँ पे मेरी पाइपिंग कंप्लीट हो रही है दोस्तों। और उसी के साथ में मैं एक सिंगल, जो मेरी पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, तो उसी में से ही मैं अपना एक केबल जो है वो डीबी से आखिरी कनेक्शन तक 22वें कमरे तक मैं कम्प्लीटली उसको खींचने वाला हूँ दोस्तों, एक ही केबल को। और उसी के बीच में से हम लोग लूप करके प्रत्येक कमरे में देने वाले हैं दोस्तों, हर रूम में देने वाले हैं। और उसी में हम लोग स्विच और सॉकेट कंप्लीट कनेक्ट करेंगे, और स्विच के साथ में अपना होल्डर कनेक्ट करने वाले। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से मैं यहाँ पे एक सिंगल कोर अपना जो केबल है 3 कोर वाला, उसी को एंड तक डालने वाला हूँ दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप लोगों ने कर लेना है, आपने सेपरेट हर स्विच के लिए अलग अलग वायर नहीं लेना है, ये टेम्परवरी होता है दोस्तों, यहाँ पे जो वर्कर लोग रहते हैं काम करने वाले उनके लिए होता है। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से मेरा कंप्लीट हो चुका है, हर रूम में मेरा एक होल्डर लग चुका है, होल्डर के साथ में एक लाइट लग चुका है दोस्तों। ये लाइट हमारा ये जो गली है, पैसेज है, उसको भी कवर करेगा, और उसी के साथ में ये रूम में भी कवर करेगा। आप लोग देख सकते हैं एक होल्डर रखा है, और वो उसके साथ में एक हमारा स्विच रखा है दोस्तों। दो मॉडल के सरफेस बॉक्स में हमारा एक सिंगल मॉडल वाली प्लेट लगी है दोस्तों, उसमें एक स्विच लगी है, आप लोग देख सकते हैं। और हर दो रूम के बाद में ये ऐसे बोर्ड लगे हैं, दो सॉकेट और दो स्विच वाले, आप लोग देख सकते हैं। ऐसी वायरिंग कर लेनी है आपने। जो लोग आईटीआई से कनेक्टेड है, जो जिनका इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट है दोस्तों, वो लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि वीडियो किस तरह से ये बना हुआ है, और ये किस प्रकार से हम लोग वायरिंग करते हैं। तो ये मेरा चालू हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाइट लग चुका है मेरा दोस्तों। मेरा काम ख़त्म हो गया, तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।